सुप्रभातम, कक्षा 6 पार्ट 2 इतिहास के साथ मैं शिल्पी दीदी जी उपस्थित हूँ। मानव जीवन के प्रारंभिक चरण का पहला टॉपिक पूरा पाषाण युग, प्राचीन पाषाण युग के बारे में हमने अगले वीडियो में बता दिया था। अब इस वीडियो में मध्य पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे भैया बहन। मध्य पाषाण युग जो है ये नव पाषाण युग के रूप में परिवर्तन का काल माना जाता है। इस युग का शुरुआत 10,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक का काल को मध्य पाषाण युग का समय बोला जाता है। इसमें अनेक प्रकार के खोज किए गए, आविष्कार किए गए। इसमें बेहतर औजार बनाने के लिए पहले छोटे छोटे सूक्ष्म छोटे छोटे आकार के औजार मिलते थे, अब ये लोग हड्डियों को के औजारों का प्रयोग करने लगे। इसमें छेद करने वाले औजार, खुरचने वाले, बाँध के नोक वाले भी औजार थे, और कुल्हाड़ी भी थे। अब पत्थर से भी बनाई जाती थी कुल्हाड़ी, लेकिन उसके दस्ते जो होते थे पकड़ने वाले, हाथ से जो हैंडल जिसको बोलते हैं, वो लकड़ी के होते थे। कुल्हाड़ी का प्रयोग लाने लगा ये लोग, और बहुत सारे भाग में, बहुत सारे जगहों में, जब पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इस तरह के औजार मिले, तब अनुमान लगाया गया कि इन लोग के औजार में अब परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, पशुओं को पालतू बनाने लगे। पशु जैसे सबसे पहले तो ये लोग कुत्ते को पालतू बनाना शुरू किए। इस युग की पहली विशेषता थी कि कुत्ते को पालतू बनाया गया पशु में सबसे पहले। इसका कुत्ते का कई प्रकार से लोग उपयोग भी करते थे, इसलिए उपयोगी थे कुत्ते, कि जानवरों का पीछा करने और शिकार करने में कुत्ते बहुत सहायता करते थे। और इसे भी समय आदमी ये भी सीखने लगा कि पौधे कैसे उगाए जाते थे। ठीक है, ये मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पालतू पशु को बनाना ये लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नव पाषाण युग में। नव पाषाण युग 8000 ईस्वी से 3500 ईस्वी पूर्व तक के समय को नवपाषाण युग का समय कहा जाता है। इस युग में सबसे पहले देखिए तो कृषि, सबसे पहले यहाँ पे कृषि की खोज की गई। यहाँ उगाने का परंपरा ये लोग जान गए, पौधे कैसे उगते हैं, कैसे बीज डाला जाता है। ठीक है, बहुत सारे जगहों में इससे भारत में अवशेष प्राप्त हुए। इससे मालूम चला कि नवपाषाण युग में ही कृषि का आविष्कार हुआ। बीजों को से वो लोग पौधे उगाना शुरू कर दिए। और सबसे महान खोज उसमें की थी। इस खोज में इधर उधर भटकने के बजाय मनुष्य जो था एक जगह रहकर कृषि करने लगा और वहीं पे बसने लगा जगह जगह पे। पहले तो घूमते थे ये लोग। मानव का आहार क्या था ये जानेंगे। मनुष्य उस समय क्या खाता था, कैसे परिवर्तन हुआ उनके खाने में, तो जौ और गेहूं जो था वही उन लोग का मुख्य फसल था। चावल की भी खेती ये लोग किए। भोजन की शैली में भी परिवर्तन आया। मानव क्या किया कि आहार में अब मांस, मछली, दूध और गेहूं, जौ, अनाज भी ये लोग शामिल कर लिया। ये लोग पहले कच्चे मांस खाते थे ये लोग, अब अनाज का उपयोग करने लगे। पशु को देखिए ये लोग पालतू बनाना शुरू किए। तो जब मध्य पाषाण में तो शुरुआत हो गई थी कि कुत्ते को पालतू बनाया गया, लेकिन ये लोग भेड़ और बैल को भी मारने के बजाय उसे पालतू बनाने लगे। ठीक है, बकरियों को भी ऐसा कि जरूरत पड़ने पर पशुओं में प्रयोग में भोजन के रूप में भी ये लोग करते थे कभी कभी, लेकिन उन लोग का प्रयोग ये ज़्यादातर पालने में करते थे। बैल चलाने में इन लोग को मदद मिलता था पशु जब पालने लगे तो, और टोकरी बनाना ये लोग सीख गए। टोकरी बनाना और बर्तन बनाना, देखिए इसमें क्या किए लोग कि अनाज और जौ का जो छोटा छोटा डंठल होता था, लकड़ी होती थी, उसी से ये लोग पत्तों से लकड़ी उसके डंडियों से क्या करते थे कि टोकरी बनाने लगे लकड़ी का। मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे ये लोग जो भिन्न भिन्न प्रकार के आकार के होते थे। बर्तन को कड़ा बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे, उसको धूप में सुखाते थे उस लकड़ी को, और उसको सुखा उस मिट्टी के बने वाले बर्तन को लोग धूप में सुखाते थे, और इसको भट्टी में भी पकाया जाता था। और बर्तन को सजाने के लिए उसको उसके ऊपर से उसको अलग अलग तरह का शक्ल रूप दिया जाता था आकार, और बर्तन के ऊपर लाल, पीला, भूरा, नारंगी रंग भी लोग चढ़ाते थे। रंगों का भी प्रयोग उस समय ये लोग करना सीख गए थे। पॉलिशदार औजार क्या है,
तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण युग में, नवपाषाण युग में पॉलिशदार औजार का भी आविष्कार किया गया। इसमें पत्थरों से जो औजार बनाए जाते थे उनसे अधिक कठोर पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। हथौड़ी, कुल्हाड़ी, छेनी, आरा, गद्दा, तीर, नोकफाले इसमें तो शामिल थे इस औजार में। लेकिन पॉलिशदार औजार जो है वो दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में मिले। उत्तर में नवपाषाण युग में औजार कश्मीर घाटी, असम, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में पॉलिशदार औजार मिले। उसमें पहिए का आविष्कार, देखिए पहिए का आविष्कार भी किया गया नवपाषाण युग में। सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार ये था पहिया हम लोग का। मानव ने लकड़ी के गोल टुकड़ों को जमीन में लुढ़कते जब देखा तो इन लोगों को लगा, जब इन लोगों को लगा कि अरे ये तो जमीन के टुकड़े जो हैं गोल जो लुढ़कते हुए देखे तो इन लोगों को लगा कि अरे ये तो एक आकार से लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा मानव का ऐसे यहाँ से वहाँ जाना एकदम आसान हो गया है। तो ये लोग क्या किए कि पहिए के आविष्कार से मानव के जीवन को सरल बना दिए और दो पहिए की एक गाड़ी सबसे पहले बनाए जिसमें पशु जिसको खींचते थे और उसके द्वारा खींचे जाने वाला जो पहिया था गाड़ी उसको प्रयोग किया जाने लगा। आदमियों के ले जाने के लिए भी किया जा सकता था, ये लोग दिमाग लगाए। और बर्तन बनाने के लिए भी पहिए चाक का प्रयोग किया जाता था, पहिए का प्रयोग लाया जाने लगा। इस समय पहिए का महत्वपूर्ण आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ। प्रारंभिक गांव और वस्त्र आभूषण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले गांव क्या थी, तो ये मनुष्य नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बना लेते थे। इनको लगता था कि हमेशा पानी की आवश्यकता होगी तो हम नदी के किनारे रहेंगे तो हमारी सारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएंगी। घास फूस से बनाई जाती थी झोपड़ियाँ ये, और झोपड़ी नदी के किनारे ऊँचे ऊँचे जगहों पर बनाई जाती थी। ठीक है, प्रारंभिक गांव के अस्तित्व में आए तो यहाँ रहने के लिए कई जगह गड्ढे खोदे गए, गड्ढा खोद के और इसमें लोग रहते थे। ब्रिज होम जो कश्मीर में है वहाँ पे इन लोगों के इस तरह के बहुत सारे गड्ढे मिले। अनाज से भरा हुआ भी गड्ढा मिला, भेड़ बकरी होती थी ना, और ये इनका जीवन आरामदेह बन गया। प्रारंभिक गाँव में ये लोग अच्छे से रहते थे, इस तरह के गांव बसाए थे। अब वस्त्र और आभूषण में आते हैं, तो उस समय शरीर को ढकने के लिए केवल पशु की खाल और वृक्षों का छाल का प्रयोग नहीं किया जाता था बल्कि अब मानव कताई बुनाई भी सीख लिया और सूत के कपड़े बनाए जाने लगे। महिलाएं सीपी और हड्डियों से बने हुए अनेक कड़े और गले के आभूषण भी पहनती थी। सामुदायिक मामले की बात करें तो एक गाँव में बहुत सारे परिवार रहते थे और उसके बीच झगड़े जो होते थे तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती थी उनके नियमों को। वो लोग क्या करते थे कि इसको नियम की ज़रूरत थी, जैसे मान लीजिए कि दो आदमी झगड़े कर रहे हैं गांव में तो झगड़े तो होते ही हैं ज़्यादा लोग रहते थे, तो इसमें नियम बताने का भी उन लोग को ज़रूरत रहता था कि भाई क्या करें, किसकी अनुमति लेनी चाहिए और नियम को भंग करने पर उनके क्या सज़ा दी जाएगी, इस तरह के मामले आते थे। गांव के मामले का नियंत्रण कौन करता था, तो समझ लीजिए कि सजा देना और उसको नियंत्रण में रखना हर गांव का एक मुखिया या वृद्ध व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति उस गांव का करता था। ठीक है, कोई भी साहसी युवक जो है वो मुखिया बनता था और देखना उसका काम होता था कि लोग मिलजुल के शांति से रहते हैं कि नहीं। बंटवारा काम का भी हुआ, तो काम के बंटवारे में देखिए कोई जो थे वो कुछ आदमी औजार का उपकरण बनाने लगे, कुछ बर्तन बनाने लगे, कुछ टोकरी कपड़ा बुनने लगे। इस तरह से अनेक चीज़ों का वो लोग काम अपना अलग अलग बांट लिए और चीज़ें खरीदने के लिए लोग मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे उस समय। पैसे दे के सामान खरीदने की परंपरा उस समय नहीं थी। वस्तु लेने के बजाय कोई अन्य वस्तु दे देते थे। कुम्हार और बुनकर जो थे बर्तन और कपड़ा किसान को दे देते थे और बदले में अनाज और सब्जी लेते थे। इस तरह की व्यवस्था को उस समय विनिमय व्यवस्था कहा जाता था। धार्मिक मान्यताएं, अब तो ये होगा सामुदायिक मामले का बंटवारा, अब धार्मिक मान्यता क्या थी ये जानेंगे कि धरती जो थी मनुष्य के लिए फसल तो पैदा करती थी। नवपाषाण युग में मानव जो था धरती माता का पूजा करता था। प्रकृति की शक्तियों से उसको लगता था डर कि हमारी धरती माँ ही है जो हमारे सारे जरूरतों को पूरी करती है। ठीक है, आदि मानव के लिए वे रहस्य बनी हुई थी इसलिए कि सूर्य, जल, नदी, अग्नि की पूजा करते थे। गाय की भी पूजा करता था, उसके लिए दूध का मुख्य स्रोत था गाय। अब मुर्दों को जो दफनाया जाता था तो शव के साथ उसके औजार और हथियार, चावल और अन्य अनाज भी कब्र में डाल दिए जाते थे।
कब्र को बड़े बड़े पत्थर से बंद कर दिया जाता था जिसे महापाषाण कहते थे, और अनेक महापाषाण दक्षिण में भी मिले। महापाषाण युग भी इसको कहा जाता था, नवपाषाण युग को। ठीक है, अब ये मेरा पूरा समाप्त हुआ चैप्टर। आप क्या करेंगे कि केस स्टडी को पूरा याद कर लेंगे, होमवर्क है मेरा, आपके बुक में है, कहेंगे तो उसके बाद हम उसका फ़ोटो खींच के भेज देंगे। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे, और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आप होमवर्क की कॉपी में करेंगे। तो शॉर्ट टाइप जो है वो आज हमारा होमवर्क ये रहा आपका, कि आप शॉर्ट टाइप को क्लास वर्क की कॉपी में लिख लेंगे और डेट डाल देंगे ज़रूर। देखिए ये 3 तारीख के डेट में आज हम ये टॉपिक पढ़ाएं, कल एक वीडियो डाले थे 2 तारीख में, तो ये डेट वाइज आप क्लास वर्क करते जाइएगा। स्कूल खुलने पे आपकी कॉपी चेक होगी और उसी के आधार पे आपको नंबर दिया जाएगा। और होमवर्क के लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगे, नहीं आए, वो आप हमको मैसेज करेंगे, मैं उसको फ़ोटो खींच के भेज दूँगी। ऐसे इसके बाद मैं फ़ोटो खींच के अभी डाल ही रही हूँ प्रश्न उत्तर का। ओके, धन्यवाद।